हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मूली का अचार बनाने की रेसिपी बताती हूँ। तो आइए फिर बनाते हैं। ये हमने गोभी लिया है, ये मूली है, गाजर, ये मिर्च और ये मटर, और यहाँ पे मसाले हैं। तो ये जीरा लिया है, मेथी है, इसे ये कलौंजी है, सौंफ है, और ये लाल मिर्च है, ये राई है और ये लहसुन है। तो अब इनको मसालों को थोड़ा थोड़ा भून लेते हैं। यहाँ पे पैन रख दिया, डालेंगे हम मेथी, फिर जीरा, आप इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए हमने पैन चढ़ा दिया है, अब इसमें ऑयल डाला है, अब ये गरम हो जाएगा। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, मिर्च डालेंगे, और जो हमने भूना था मसाला उसको हल्का दरदरा पीसना है, दरदरा पीसना है तो उसको भी इसमें डालेंगे, और ये कलौंजी और नमक भी, और ये लहसुन हमने पीस ली है, उसी का पेस्ट है। ये हमने गोभी 2 घंटे तक पंखे में सुखाया है, और ये गाजर वाजर इसका पहले वाश कर लिया था, फिर इसको धुल के थोड़ी देर इसका पानी जब पूरा सूख गया है तब इसमें अचार रख रहे हैं। अगर पानी रहता है ना तो फिर खराब हो जाता है अचार, इसलिए अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, जो इसमें सब करेंगे। इसको सब मिला लेना है ऐसे, और इसको सब मिला के अब देखिए हमारा तैयार हो गया है। अब किसी कांच के कंटेनर में भर के रख देंगे, आप इसको 1 साल रख के स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होता है। तो हमारा अचार, ये देखिए हमारा गाजर, मूली और मिर्च, मटर और गोभी का अचार बनके रेडी हो गया। आप भी अपने घर में बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, और ये हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।